हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 6 कंबंशन एंड फ्लेम क्लास 8 साइंस। तो इसके पहले हम लोग कीवर्ड्स देख लेते हैं। इसका पहला कीवर्ड है एसिड रेन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और एसिड बनाते हैं। सच रेन इज कॉल्ड रेन वाटर, और इस रेन को हम लोग रेन वाटर कहते हैं। फिर सेकेंड है कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। मतलब 1 kg किसी भी फ्यूल के 1 kg को जो है बर्न कराने पे, जलाने में जो जिस अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। हमारा थर्ड है कंबंशन, ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव ऑफ हीट, और जो है हीट प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग कंबंशन बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे नंबरिंग कुछ आगे पीछे हो गई है, वो उसकी कोई भी बात नहीं है, आप केवल कीवर्ड्स को समझ लीजिए, वो हमारी बुक के हिसाब से नंबरिंग है। फिर हमारा नेक्स्ट है एक्सप्लोजन, ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिब्रेटेड। मतलब एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है गैस फॉर्म होती है, इन द रिएक्शन इज लिब्रेटेड, और जब रिएक्शन होता है सच रिएक्शन इज कॉल्ड, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्निशन टेम्परेचर, एग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर। वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसमें आग लग जाती है, वो कैच फायर कर को कैच कर लेता है, उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब इसके नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजली कैच फायर। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि जिसका कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो जल्दी, बहुत ही जल्दी से आग पकड़ लेता है विथ ए फ्लेम, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। फिर नेक्स्ट कीवर्ड है फ्यूल, द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबंशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। ऐसा सब्सटेंस जो कि मतलब जिसमें कि कंबंशन होता है, कंबंशन होता है मतलब जो जल जाता है और वो जलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल जो है सब्सटेंस बोलते हैं, और इसको जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्यूल, इसको फ्यूल भी कहते हैं। आइडियल फ्यूल की डेफिनेशन क्या है, एन आइडियल फ्यूल इज़ ए चीप, आइडियल फ्यूल जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, रेडली अवेलेबल मतलब वो आसानी से हमको मिल जाते हैं, रेडली कंबस्टिबल जल्दी से जल जाते हैं, एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, और उनको ट्रांसपोर्ट करना जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस गैस और रेसिड्यू। अब हमारा फ्यूल इफिशेंसी क्या होगा, द प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाई ए फ्यूल। मतलब फ्यूल के द्वारा जो एनर्जी रिलीज्ड होती है उसका जो प्रपोर्शन होता है बाई ए फ्यूल कम्बंशन प्रोसेस विच इज़ कन्वर्टेड इन टू यूजफुल वर्क, जो कि हमारे किसी भी यूजफुल वर्क में यूज़ होती है। मतलब अगर हम उसके प्रपोर्शन को देखें, मतलब कम फ्यूल को बर्न कराने में उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग फ्यूल इफिशियंसी कहते हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रेजुअल राइज इन द अर्थ टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है कॉज्ड बाई हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे जो है अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है एंड अदर गैसेस इन द एटमोसफियर, और दूसरी गैसेस भी एटमोसफियर में बढ़ जाती हैं। तो अभी हमारे जो है कीवर्ड्स हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन आंसर आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबंशन टेक प्लेस। मतलब ऐसी लिस्ट बतानी है जिसके के द्वारा, जिसके अंडर में कंबंशन होता है, तो उसमें हम देखते हैं द कंडीशन अंडर विच कंबंशन टेक प्लेस। कंबंशन मतलब कोई भी चीज़ जलने लगे, ऐसी क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल का होना जरूरी है, मतलब जो चीज़ जले, फ्यूल मतलब जिसको हम जला रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ है एयर, मतलब ऑक्सीजन होनी चाहिए। तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वो कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए जिससे कि वो सब्सटेंस जो है जल सके, मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल ज़रूरी हैं जिससे कि क्या होता है, कंबंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस पॉल्यूशन इन अवर सिटीज़। जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें अगर हम CNG का यूज़ करते हैं तो वो हमारे सिटी वगैरह में जो पॉल्यूशन है उसको कम करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो
वो किस तरह से पोल्यूशन को कम करते हैं ये बताना है। फिर थर्ड आंसर में देख लेते हैं, कंबंशन ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोलियम कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जो हमारा पेट्रोल वगैरह जो कि हम उसमें जो है ऑटोमोबाइल्स में जो यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, उसमें जो है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और उसके साथ साथ में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। दीज हार्मफुल पॉल्यूटेंट एंटर द एयर, और ये जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट होते हैं ये एयर में आ जाते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज़ को जो है वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वो जिससे कि हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है। लेकिन उस पेट्रोलियम की जगह अगर हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG को यूज़ करते हैं, दीज हार्मफुल प्रोडक्ट इज़ वेरी लेस क्वान्टिटी। तो ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट थे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो निकल रही थी उससे, वो क्या हो जाती है, बहुत कम क्वान्टिटी में रिलीज होती हैं। इट इज़ ए कंपेरेटिवली क्लीनर फ्यूल, और ये जो CNG है वो पेट्रोल के कंपेरिजन में बहुत क्लीनर फ्यूल है। देयरफॉर द यूज़ ऑफ CNG हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज़। इसलिए जो अगर हम लोग CNG का यूज़ करते हैं तो हमारे सिटीज़ में जो पोल्यूशन है वो बहुत कम हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर LPG एंड वुड एज ए फ्यूल। अब LPG और वुड इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इसमें एक तरफ हमने LPG लिख लिया है और दूसरी तरफ वुड लिख लिया है, दोनों को देख लेते हैं। LPG का फर्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू अबाउट 55,000 किलोजूल पर kg। मतलब एक kg अगर एक kg LPG को बंद कराएं तो हमारी जो है 55,000 कैलोरी जो है, ये 55,000 जो है किलोजूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। और अगर वुड की अगर 1 kg को हम अगर बंद कराएं तो हमारी 70,000 से 22,000 तक जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इट हैज़ लेस कैलोरीफिक वैल्यू। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वुड की जो कैलोरीफिक वैल्यू है LPG से वो कम है। अब हमारा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इट डज़ नॉट कॉज एनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एंड जो हमारी LPG है उससे किसी भी तरह की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। और इसका सेकंड पॉइंट है हमारा, वुड का ऑन बर्निंग वुड रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एनवायरमेंट में आते हैं, विच कॉजेज डिजीज सच एज अस्थमा, जिससे कि अस्थमा जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, इट इज़ स्मोकलेस फ्यूल, इसमें किसी भी तरह का धुआं नहीं उठता है। और जो हमारी वुड है, इट गिव्स लॉट ऑफ स्मोक। जब हम लकड़ी वगैरह को जलाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मोक जो है प्रोड्यूस होता है। अब इसका फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ ईजी टू स्टोर। अब LPG को स्टोर करना जो है बहुत ईजी होता है, एंड कैन बी ईजली ट्रांसपोर्टेड, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है, सिलेंडर्स वगैरह में भर के एंड पाइपलाइंस के द्वारा इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब इसका जो है फोर्थ पॉइंट, इट नीड्स ए लॉट ऑफ स्पेस। अगर हम लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएँ तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। टू स्टोर आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, और इसको ले जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है, लो इग्निशन टेम्परेचर। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है LPG का, मतलब ये जब उसमें उसको जलाया जाता है बहुत जल्दी से जल जाता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, और लकड़ी का जो वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों के बीच में भी हमने डिफरेंस देख लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गिव रीज़न। अब हमको रीजन्स बताने हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वगैरह में जब आग लग जाती है तो हमें वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसका हमें रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न देख लेते हैं। आंसर है, वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, सो इट कैन ईजली कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट पास होने लगता है एंड कॉजेज डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक और शॉर्ट सर्किट, जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग सकता है, इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है। देयरफॉर वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर, इसलिए वाटर का यूज़ जो है फायर को कंट्रोल करने में नहीं करते हैं। इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जब किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जो है फायर लग जाती है तो हम वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। अब सेकेंड है हमारा, LPG इज़ ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। जैसे कि अभी हमने ऊपर दोनों को डिफरेंस में देखा कि LPG जो है वो हमारी जो है बहुत ही अच्छी जो है फ्यूल होती है। अभी हमने डिफरेंस उसमें देखा कि उसको जो है बहुत, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू वो भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये एक जो है
बहुत आइडियल फ्यूल जैसा ही होता है। तो अब इसको देख लेते हैं, एलपीजी से बेटर डोमेस्टिक फ्यूल, एलपीजी जो है एक बहुत अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल है एज इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, क्योंकि इसमें स्मोक प्रोड्यूस मतलब धुआं नहीं निकलता है, एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, और इसमें अनबर्न्ड का जो ऐसे कार्बन पार्टिकल्स जो कि ना जलें वो भी नहीं होते हैं, विच कॉजेज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, जिसके द्वारा जो है लोगों को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एलपीजी जो है वो बहुत अच्छा जो है डोमेस्टिक फ्यूल है। अब इसके बाद है पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर। अब इसका हमको रीज़न बताना है कि अगर हम पेपर को जलाते हैं तो उसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, वेयर एज ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड ए एल्युमिनियम पाइप डज नॉट, लेकिन इसी पेपर को अगर हम किसी एल्युमिनियम पाइप के ऊपर रैप करके उसमें आग लगाएं तो वो क्या होता है, पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर, पेपर जो है आग को कैच कर लेता है, वेयर एज ए पाइप पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट, लेकिन अगर हम एल्युमिनियम पाइप के ऊपर पेपर को रैप कर दें तो उसमें जो है आग नहीं लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर, पेपर जो है उसको जो है अगर हम खाली उसमें आग लगाएं तो उसमें आग लग जाती है बहुत आसानी से, बिकॉज इट हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। बट वेन रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप, लेकिन अगर इसी पेपर को हम एल्युमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेट दें, इट्स टेम्परेचर इज लोअर्ड, तो इसका जो कागज़ का जो टेम्परेचर है, जो पेपर का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, ड्यू टू एल्युमिनियम मेटल एब्जॉर्बिंग द हीट, क्योंकि अब उसको हमने एल्युमिनियम मेटल के ऊपर रैप किया हुआ है, तो जब हम पेपर को जलाते हैं तो उसको जो हीट देते हैं वो एल्युमिनियम मेटल में चली जाती है, ट्रांसफर्ड हो जाती है, सप्लाइड टू द पेपर, सो इट डज नॉट कैच फायर। तो उसकी हीट जो है पेपर की एल्युमिनियम पाइप में चली जा रही है, इसलिए पेपर जो है जो वो नहीं जलता है। अब हमारा सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो है, मेक ए डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना है, ये मैं जो है अपने वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ, ये आपका जो है कैंडल फ्लेम का डायग्राम है, उसके अलग अलग जो है फ्लेम के बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, मतलब यूनिट बतानी है जिससे कि हम कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी, इसको हम लोग किलो जूल पर केजी में जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम शॉर्ट में जो है इस तरह से भी लिखते हैं, केजे ऑब्लिक केजी, मतलब किलो जूल पर केजी। अब इसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। अब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से फायर को कंट्रोल कर लेता है, उसका आंसर हमको बताना है। तो अब हम देखते हैं, बींग हैवियर देन ऑक्सीजन, अब ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन से भारी होता है, CO2 कवर द फायर, तो CO2 क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर को कवर कर लेता है लाइक ए ब्लैंकेट, ब्लैंकेट की तरह, सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, अब ये कवर कर लेता है तो क्या होता है, फ्यूल और ऑक्सीजन का जो बीच का जो वो होता है वो कॉन्टैक्ट उसके बीच का कट हो जाता है, और जब ऑक्सीजन किसको नहीं मिल पाती है तो क्या होता है, फायर इज कंट्रोल, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो फायर हमारी कंट्रोल हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजली, एक्सप्लेन, कह रहा है इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप, कोई हमारा जो ग्रीन लीव्स जहाँ पे बर्न हीप मतलब जो ग्रीन लीव्स का जो ढेर है उसको जो है जलाना बहुत कठिन है, लेकिन जो हमारी ड्राई लीव्स होती हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है ग्रीन लीव्स हैव ए लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, दिस मॉइस्चर डज नॉट अलाउ देम टू कैच फायर ईजली, और इस मॉइस्चर के कारण उसमें आग जल्दी नहीं पकड़ पाती है। हाउएवर ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर, और ड्राई लीव्स में मॉइस्चर नहीं होता है, therefore they catches fire easily, इसलिए उसमें आग जल्दी से लग जाती है। अब हमारा next question है, which zone of flame does a goldsmith use for melting gold and silver wire, मतलब हमारे जो फ्लेम का कौन सा जोन ऐसा है जिसका कि गोल्ड स्मिथ यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट कराने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड स्मिथ यूजेस द आउटर पार्ट, गोल्ड स्मिथ जो हैं वो फ्लेम का आउटर पार्ट का यूज़ करते हैं ऑफ द कैंडल फ्लेम फॉर मेल्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट कराने के लिए, बिकॉज क्योंकि इन दिस जोन द टेम्परेचर इज हाईएस्ट, क्योंकि ये जो हमारा आउटर मोस्ट जोन होता है कैंडल का वो बहुत ज़्यादा क्या होता है गर्म होता है, बहुत ज़्यादा उसमें हीट होती है, विच हेल्प टू मेल्ट
विच हेल्प्स टू मेल्ट दीज मेटल ईजली, जिससे कि ये मेटल जो है बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। अब हमारा 11th क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न। एक किसी भी एक्सपेरिमेंट में 4.5 kg फ्यूल को बर्न कराया जाता है पूरी तरह से, द हीट प्रोड्यूस्ड, और उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है, वो कितनी हो रही है, 1,80,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, अब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू में, जैसा कि अभी बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू में हम 1 केजी फ्यूल को जो है बर्न कराते हैं और कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 4.5 केजी को जो है बर्न कराया गया है, तो अब हम इसमें 1 केजी का निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 केजी ऑफ फ्यूल। की डेफिनेशन बता दी कैलोरीफिक वैल्यू में, कैलोरीफिक वैल्यू जो है किसी फ्यूल की वो अमाउंट होती है जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होती है, कब, जब हम 1 केजी फ्यूल को पूरी तरह से बर्न कराएं। तो अब हम इसको आगे देखते हैं, नाउ हीट प्रोड्यूस बाय 4.5 केजी ऑफ फ्यूल। अब जो 4.5 केजी जो फ्यूल था क्वेश्चन में, उससे हमारी इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, 1,80,000 kg मतलब किलो जूल, देयरफॉर हीट प्रोड्यूस फॉर 1 kg। अब 1 kg में फ्यूल में कितनी होगी, तो उसको क्या करेंगे हम, 1,80,000 किलो जूल जो हमारी है उसको 4.5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 40,000 किलो जूल पर केजी, ये आ जाएगी हमारी कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। हैंस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज 40,000 किलो जूल पर केजी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कम्बशन, डिस्कस। क्या जो हमारा रस्टिंग का प्रोसेस है उसको हम कम्बशन कहते हैं, इसको डिस्कस करना है। तो देखते हैं अब हमारा, अब इसका आंसर है, कम्बशन इज ए केमिकल प्रोसेस। कम्बशन एक केमिकल प्रोसेस है इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड गिव आउट एनर्जी, और एनर्जी रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट और लाइट और बोथ ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, या दोनों प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। लेकिन रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जो आयरन में जो रस्टिंग होती है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एज हीट इज रिलीज, और इसमें भी क्या होती है, हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग रस्टिंग, रस्टिंग के समय। हैंस इट इज ए काइंड ऑफ स्लो कम्बशन, और ये एक तरह का क्या है, स्लो कम्बशन वाला प्रोसेस है। अब हमारा 13th क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 13th क्वेश्चन आप देख रहे हैं पूरा नहीं दिया गया है, इसलिए इस पूरे क्वेश्चन को मैंने बुक से ले लिया है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आपकी ये बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। अब दो लोग हैं, अबीदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट को करते हैं, इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन ए बीकर। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, वाटर को जो है वो क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, वाटर वॉज हीटेड इन ए बीकर, अबीदा केप्ट द बीकर नियर द विक्स इन द येलो पार्ट। अबीदा जो है बीकर में को किस पार्ट में रखता है, एलो पार्ट, कैंडल के फ्लेम के एलो पार्ट में रखता है, जबकि रमेश क्या करता है, बीकर को आउटर मोस्ट पार्ट में जो है फ्लेम में रखता है। वूज वाटर विल गेट हीटेड इन ए शॉर्ट टाइम, तो किसका वाटर, अबीदा का कि रमेश का, किसका वाटर जो है वो जल्दी से जो है हीटअप हो जाएगा। तो इसके आंसर को समझ लेते हैं, यहाँ पे जो है आंसर दिया हुआ है, द वाटर इन द रमेश वीकर विल हीट अप इन शॉर्ट टाइम। जो रमेश का जो वीकर है उसमें जो पानी है वो जल्दी हीट अप हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसने अपने वीकर को कहाँ रखा है, आउटर मोस्ट जोन में, एंड द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट जोन, और जो आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का वो क्या होता है, हॉटेस्ट जोन होता है, जिसके कारण उसका पानी जो है जल्दी गर्म हो जाता है। वाइल द एलो जोन, लेकिन जो एलो जोन होता है फ्लेम का, विच अलीदा हैड कैप्टन, और जिसने कि अलीदा ने वीकर को रखा हुआ है, इज़ लेस हॉट, तो उसका जो पानी है वो देर से गर्म होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने इस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर थे वो आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।